एक आध घंटा रुकने के बाद उदयपुर स्टेशन हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिए गाड़ी। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा कि हम लोग अहमदाबाद से डूंगरपुर तक की जर्नी कर रहे थे, और आप इस पार्ट में आप देखेंगे डूंगरपुर से लेकर उदयपुर तक की जर्नी और खूबसूरत घाट सेक्शन देखने को मिलेंगे, और आपको बहुत सारी जो भी रहेगी उसकी अपडेट देने वाला हूं मैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो देखते चलिए दोस्तों, चलते हैं और आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों, अब आप हम गुजर रहे अरावली पहाड़ियों की खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाइए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ आगे की। एक आध घंटा रुकने के बाद ये सिग्नल मिला है।
मैं रेलवे से ये बात कहना चाहूँगा, ये कोटा असरवा गाड़ी एक घंटा इधर पड़ी रही उमरा स्टेशन पे, और अगर किसी को उदयपुर सिटी से जयपुर के लिए 3:05 की जो इंटरसिटी है उसको पकड़ना हो तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। तो रेलवे से यही गुजारिश है कि इसको कम से कम आप उदयपुर सिटी तक पहुंचा दें, तो कोई किसी को अगर जयपुर जाना हो, अहमदाबाद से कोई आता हो और बीच में उदयपुर रुक के जयपुर जाना चाहता है, उसको कम से कम कनेक्टिविटी मिल सके। देखिए दोस्तों, ये हम लोग उमरा से निकल रहे हैं अभी, चलिए मैं आपको मिलता हूँ उदयपुर सिटी में। हम लोग जिलों की नगरी उदयपुर सिटी में पहुँचने वाले हैं, आप उसकी झलक देख सकते हो। तो हम उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं उदयपुर सिटी स्टेशन। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिए गाड़ी, उदयपुर सिटी पहुंच चुके हैं। अब इधर से इस गाड़ी का लोको डीअटैच होके इलेक्ट्रिक लोको के साथ कोटा जाएगी ये गाड़ी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ब्लॉग में कौन से स्टेशन कौन से गाड़ी के साथ बना हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज का ब्लॉग हम इधर ही समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग।